गाइस मैंने ये कैमरा इसलिए ऑन किया है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया और मेरी बाइक की आ चुकी है नंबर प्लेट। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ब्लॉग के स्टार्ट में नहीं कर पाया, बट मेरे को ये उतना ऑफ रोड नहीं लगा क्योंकि भाई जब मैंने ना बाइक एक्टिवा सीखी तो ऐसी रोड पे सीखी थी क्योंकि गाँव के कुछ ऐसे ही रोड है। ओह भाई एकदम अंधेरा सीन है भाई। हेलो मेरी YouTube फैमिली, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक बार फिर से आज के एक न्यू ब्लॉग पे। और गाइस आज हम जाने वाले हैं सर्फल पूल। पहली बार मैं उधर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफ रोड भी है इसीलिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ, बाकी आपको रास्ते के नज़ारे में दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम जाने वाले हैं लेफ़्ट, क्योंकि हमेशा हम रायपुर वाले रास्ते से जाते हैं, बट आज हम जाने वाले हैं इधर IT पार्क वाला जो रास्ता है, शस्तारा वाला जो रास्ता है, उधर से हम जाने वाले हैं। और आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा व्यू दिखाने की। बाकी भाई गाइस जो ये वाला रास्ता जाता है सहजधारा के लिए, और यहाँ पे इन्होंने ये वाला सीन बहुत ज़्यादा सही कर रखा भाई। रोड पे जो बीच पे बने हैं इसमें ये रहता कि जो अपनी साइड से जा रहा है वो अपनी साइड से जाएगा, क्योंकि कोई बंदा होता है ना रॉन्ग साइड आके सीधा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर उस तरह से। बट ये वाला सीन बहुत सही है और टाइम पे का भी पता नहीं चला भाई कब हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, अब इस वजह से भी ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी चलते हैं और पहाड़ों के कुछ सुंदर नज़ारे दिखाने के लिए। भाई ऑफ रोड का मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी ऑफ रोड की नहीं है भाई, और स्किल भी भाई तभी आएंगी जब बार बार ऑफ रोड करने जाऊँगा मैं, तभी तो मेरे अंदर स्किल डेवलप होगी। आने वाली लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है मेरी ऑफ रोडिंग की स्किल। काल देवता के लिए ये वाला रोड निकलता जो सहजधारा से पहले पहले ना एक राइट डायरेक्शन जो आपको मिल जाएगा, और आपको इस वाली रोड पर आना है। बट आगे से मुझे नहीं पता कि भाई किधर को जाता है, लेकिन भाई साहब पार वाला तो मेरे को ऑफ रोड लग रहा है पूरा। भाई क्या प्यारे प्यारे घर है भाई, कसम से ये तो बढ़िया है भाई, पूरा व्यू वाली जगह पे। हाँ हाँ एकदम मस्त है। देख रहे हो गाइस क्या मस्त नज़ारा है इधर, हाय 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 हाय, पूरा ऐसा लग रहा भाई, सच में भाई ऐसा लग रहा कि कहीं गांव में आ गया। बाकी ये देखो यहाँ पर क्या मस्त व्यू है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का भाई। भाई ऐसी लोकेशन ना सच में भाई पता नहीं कैमरे के सामने एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, बट जो मैं फील कर पा रहा हूँ ना भाई इस एरिया को, इस लोकेशन को, सच में भाई बताने की लायक नहीं है। वैसी ऐसी लोकेशन है मेरे को डायरेक्ट दिल पे लगती है ना, तो ये सोचो फिर जब मैं कहीं बाहर गया यहाँ से, तो यहाँ से किधर गूगल मैप खोले क्या? हाँ हाँ खोलो, चलते भाई रोड का पता हमें भी नहीं है। शादी हेलो 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 हेलो, ये क्या हो रहा है यार? मेरे भाई शादी हो रही है, शादी में चले क्या फ्री का खाना खाने? ये देखो भाई हमारे दोस्त, हेलो कर दे, हेलो हाँ मुंडी। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? हेलो भाई हेलो तो करो। अबे 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 ये बैंगन, इनको देख के अपना बचपन याद आ गया सबको है। अरे भाई वो बैंगन वाला चीज लग रहा है तो। बैंगन बैंगन। हमें पता नहीं है भाई हम कहीं जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, है ना भाई साहब। क्या मस्त जगह है सच में भाई, अगर ऐसी जगह में ड्रोन उड़ेगा ना जिसको क्या है जगह का नाम तो मिलते। बट यहाँ से लेफ्ट जाते ही अपना ऑफ रोड होने वाला है स्टार्ट। ओ भाई इंटर उतना भी खास नहीं लग रहा मेरे को ये ऑफ रोड, आगे जाके पता नहीं, बट मेरे को ये उतना ऑफ रोड नहीं लगा क्योंकि भाई जब मैंने ना बाइक एक्टिवा सीखी तो ऐसी रोड पे सीखी थी क्योंकि गांव के कुछ ऐसे ही रोड है। चेक करो ये वाली लोकेशन, शायद वो वाली रोड दिख रही है ऊपर जहाँ से बाइक वाला जा रहा है। द्वारा वाली तो ये गई ना पीछे से ऊपर है यार, नहीं द्वारा वाला, द्वारा तो इसके ऊपर है। हाँ हाँ वो वही वाली रोड जा रही होगी। हाँ डेंजरस लुक तो दिख रहा है कैमरे में भी, शायद डेंजरस दिख रहा होगा पर ये डेंजरस है नहीं, मेरे लिए इजी है। एकदम सूखा जंगल है भाई सामने, सूखा, और इसके सामने पे एक गांव है, उसके आसपास के खेत हरे भरे, जो कि हमने परसों ऊपर से भी देखा था, ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा था वो। भाई देख रहे हो कैसे कैसे फिसल रहे हैं। बट भाई क्या वो ऐसे करके चोटी मस्त चट्टाने यार। करना आसान नहीं है वैसे, जिसको चाहो क्या वही कर पाते हैं। ये है भाई, और बरसात में तो यहाँ तबाही हो जाती होगी। इसे पार ले चले, अरे हाँ है तो ज़्यादा कठिन तो है नहीं हो। अगर इसको ऑफ रोडिंग बोलते हैं तो मैं नहीं मानता क्योंकि ये कोई ऑफ रोड नहीं है। बट भाई एक चीज़ चेक करो यार, मैं अबे यहाँ देखो खाली था वो, ये चेक करो इसके अंदर हम घुसने वाले हैं। इसके अंदर जाने क्या? हाँ हाँ सही में, सही है क्यों? चलते हैं ना, क्या है अंदर? पता चला अंदर बाघ बैठा हो। और भाई सामने भी देख सकते हैं आप एक ही, भाई ऑन करो टॉर्च टॉर्च। ओ भाई एकदम अंधेरा सीन है भाई, अबे भाई पत्थर तो रख सकते हैं। चलो भाई आगे चलो, अबे बाघ बैठा हो अंदर तो रहने दो भाई जरा। गाइस हम तो सामने बाघ देख रहे, पता चला पैर के नीचे सांप आ गया। ये रखे तो यार वैसे यहां जाने के लिए ना, अरे बाइक का उजाला लगाया है। फोन है क्या वो गिरा हुआ? भैंस क्या कैसे लालच दे के रगड़ देगी वो, पता नहीं यार हम नहीं जा रहे अंदर, उजाला नहीं है ना सही से भाई। तो सामने से गाड़ी जा रही होगी। ये भाई सामने भी एक टनल है और ये वाली वो टनल थी जिसमें हम अंदर गए थे। आई थिंक आगे जो डैम बन रहा है उसका टेस्टिंग का कुछ होगा सोर्स, बट मेरे को नहीं पता क्या है। थोड़ा डेंजरस है, उजाला सही से उतर तो शायद अंदर जाते हम। भयंकर है वो अंदर है, भयंकर है। अब चलते हैं भाई सीधा आगे। मोड़ को जितने भी मोड़ को हम क्रॉस कर रहे हैं, हर मोड़ के बाद ना बहुत मस्त वाला व्यू दिख रहा है। ओ भाई साहब क्या जगह है ये, मस्त है वैसे है ना। ये तो रहे यहाँ पर ये भाई ये है कुछ, इससे जो खुजली खुजली रहती ना। गाइस हम पहुंच चुके हैं सल्फर पॉइंट और यहाँ का कुछ ये देखो भाई कुत्ता देखो यहाँ, ये है भाई साहब ये है। अबे इसको क्या हो गया, ये क्या सीन है इसका रंग चेंज हो गया भाई। भाई कितना प्यारा कुत्ता है। तो अभी ये सल्फर पॉइंट है भाई, यहाँ पर एक आधा रिजॉर्ट टाइप रेस्टोरेंट टाइप का है और बाकी ये देखो भाई यहाँ। हाँ इससे ना खुजली सारी साफ हो जाती। यहाँ पर देखो भाई ये वाला जमीन के नीचे से पानी आ रहा है यहाँ, नेचुरल वाला है क्या। हाँ और भाई यहाँ आके यहाँ पर सही सीन है वैसे। नहीं यार गर्म पानी वाला नहीं है सीन भाई। ये है यहाँ पर छोटा सा स्विमिंग पूल। अब भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है इसमें भी नहाने की। अबे ज़्यादा ठंडा भी तो नहीं है, नहा ले। नहीं यार ठंडा हो जाएगा। गाइज इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सल्फर पॉइंट, बट भाई यहाँ पर ना हम नहा तो लेते पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडा सीन है और नहाना अगर मैं तब भी नहा लेता अगर थोड़ा सा गहरा होता। ये पानी ना हम एक बार गर्मी में दोबारा आएंगे ज़रूर नहाएंगे, पर ये पानी अगर किसी के शरीर में खुजली होती है ना उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और सामने भाई वो गाँव दिख रहा है आपको, पता नहीं यार इसमें दिखा भी पा रहा कि नहीं दिखा पा रहा, बट सामने गाँव है। हमारे पास ड्रोन रहता तो शायद काफ़ी अच्छी तरीके से मैं दिखा पाता आपको। और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा समझ लो, रेस्टोरेंट कुछ भी समझ लो। सामने कुत्ता चिल्ला रहा है, बहुत मस्त कुत्ता हो। और आजकल आपको पूरा खेत सारे हरे भरे देखने को मिलेंगे। अगर भाई ये हॉटस्पॉट में हमारे को देखे तो देखते कुछ खाते हैं। ये देखो भाई क्या चाहिए हैं क्या चाहिए बता देख। अरे पकड़ना जरा हेलमेट, यहाँ और टेबल के ऊपर रखना। यहाँ का कुछ ऐसा सीन है भाई। यहाँ जो ये थोड़ा सा होटल है भाई, नेटवर्क के लिए देखो कहाँ जा रहे हैं। जियो और एयरटेल हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखो कहाँ बैठे हैं अंकल नेटवर्क के लिए। बहुत ज़्यादा टफ है भाई नेटवर्क निकालना इधर। यहाँ का कुछ ऐसा है। अच्छा यहीं पे नेटवर्क आता है और कभी कभी काम। अच्छा। और भाई यहाँ का कुछ ये वाला व्यू है, सोच सकते हो कितनी औसम जगह है यहाँ पे। बस भाई आज का ब्लॉग यही था हमारा कि यहाँ पे आके आपको ये सल्फर पॉइंट दिखाना। गर्मियों में आके थोड़ा शायद इधर फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में इस पानी में गंदक के पानी में जब आप नहाओगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प होगा, जो कि आपके शरीर में जो एलर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अभी हमने मैगी का ऑर्डर दिया है, फटाफट से हम खाते हैं मैगी अब। और फिर वापस जाने वाला है देहरादून की तरफ। ये देखो भाई सर्फल पुल, बस हमारा यहीं तक आना था, ये चीज़ आपको दिखानी थी। और भाई गर्मी में इधर ज़रूर आना, विज़िट करो यहाँ पे। और बाकी ये देखो यार लोकेशन बहुत प्यारी है। अब सूरज भी ढलने वाला है और सामने ये गांव है, वहाँ के लिए कोई रोड नहीं है। लोग यहाँ पर बाइक खड़ी करके ना सीधा बैक साइड से पैदल होकर सीधा पार गाँव की तरफ जाते हैं। यहाँ देखो गाइज, दो ब्लॉगर हो गए भाई। ये अपनी मैगी आ गई और फटाफट मैगी खाते हैं। और हमारी गोप्रो की बैटरी होने वाली है डेड। और सीधा और भाई हम इसको बोलते हैं टाटा बाय 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 बाय। पंजा दे, चल पंजा दे, पंजा दे। और यहाँ से भी निकल जाते हैं हम। अब मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। पर बाइक देखो यार कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। फ़िलहाल भाई यही वाला पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला था। और जब तक मैं देहरादून में है तब तक मैं आपको देहरादून की कोई अच्छी अच्छी लोकेशनें दिखाने वाला हूं। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो सीरीज़ आने वाली है वो चक्राता को एक्सप्लोर करने वाली आने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। फ़िलहाल तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सीन हो गया था गाइस। लड़ो चल पंजा दे, चल पंजा दे। ये